ओ हेलो भाई लोग, स्वागत है तुम्हारे मेरे इस नए व्लॉग में। और यार आज मेरा पीआर था, पीरियोडिक रेस्ट होता है जो, वो था। मैं मस्त मज़े में लेटा हुआ था कि चलो आज तो ड्यूटी नहीं लगने वाला है, मस्त आराम कर रहा था, रेस्ट फुल एंजॉय। तब तक लॉबी का कॉल आता है और सारी खुशियों पे पानी फिर जाता है कि पैसेंजर गाड़ी है डेमू औरंगाबाद के लिए, जिसमें कि कोई असिस्टेंट औरंगाबाद डायरेक्शन का अवेलेबल नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा। आपका पीआर वाला रेस्ट कैंसिल करते हैं और नेक्स्ट बार आएंगे तो मिलेगा। और पीआर हो जाता है तो अभी कपड़ा वपड़ा धोया। तेरे तो लग गए, बोले तो बोले क्या। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फिर यार मजबूरी में मैंने बोला ठीक है जाएंगे, तो करना क्या था, जल्दी जल्दी अब खाना बनाना जाना, 7:30 बजे जाना है। और बहुत दिनों बाद नाइट ड्यूटी लगा हुआ है, मतलब आए थे पिछली बार तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं था, नाइट में ही आए थे, लेकिन अब इधर से वर्किंग जाना है तो नाइट में जाना है। कम से कम 8वां 9वां ड्यूटी के बाद मेरा नाइट लग रहा है। देखो दिखाते हैं, अभी खाना बनाना रेडी करना हर चीज़ करना है, तो मिलते हैं रेडी होने के बाद तुम लोगों से। हेलो, खाना वाना बना लिया है और आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है कि ट्रेन रास्ता भूल गई। मतलब क्या यार, ट्रेन न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं ट्रेन रास्ता भूल गई। ट्रेन कैसे रास्ता भूलती है, ऑटो समझ रखा है क्या ट्रेन को, ट्रेन रास्ता भूल गई। एक तो न्यूज़ वाला बोल रहा है ड्राइवर सो रहे थे, गलत रास्ते पे लेके चले गए, ट्रेन रास्ता भूल गई। इसमें ड्राइवर का कोई हाथ नहीं होता भाई, चमन चमगादड़, इसमें हाथ होता है स्टेशन मास्टर का। पूरा न्यूज़ देखो अच्छे से, डीआरएम ने ऑर्डर दिया है कि दो स्टेशन मास्टर वहाँ पे बछवाड़ा स्टेशन पे, दो स्टेशन मास्टर सस्पेंड हुए हैं। तो यार इसमें गलती किसका था मेन, पहले तो मैं सोच रहा था कि साला ड्राइवर कैसे लेके चला गया, क्योंकि एलआर उन लोगों का भी होता है और पता उन लोगों को भी चलता है कि हाँ गलत रास्ते पे जा रहा है, तो वाकई टाइम में बोल तो सकता था कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि नहीं, एक ही रूट से गाड़ी निकलना था, इधर से डाइवर्ट होना था, इधर से डाइवर्ट होता था, मतलब एक ही लाइन से दो कटा हुआ था, इसके वजह से कन्फ्यूजन हुआ। और उसमें ड्राइवर का कोई गलती नहीं है, उसी ने बताया कंट्रोल को कॉल करके ट्रेन गलत रास्ते पे सिग्नल मिला है, तो फिर उसने वहाँ से फिर पुश बैक किया गया ट्रेन को, फिर वापस आया और फिर सही रास्ते पे गया। तो ये न्यूज़ तो मत ही बनाओ कि ट्रेन रास्ता भूल गई। भाई ट्रेन रास्ता कैसे भूल सकती है, ड्राइवर के पास हैंडल तो होता ही नहीं। और यार ड्यूटी लग चुका है, और एक कमाल का चीज़ कि इतना सारा ड्रेस है मेरे पास, 3-4 यूनिफॉर्म, इसमें पता कैसे चलता है कि कौन सा साफ है कौन सा ऐसे अच्छा है। तो लड़के और खासकर बैचलर यूनिफॉर्म को ऐसे सूंघ के पता चलता है कि हाँ पहनने लायक है या नहीं। अभी मैंने ये नहीं है पहनने लायक, तो आज मैंने जो धोया वही पहन के जाना पड़ेगा। तो ये था मेरा ट्रिक देखने का कोई भी ड्रेस का कि पहनने लायक है या नहीं है। और बस अब रेडी होना है और डेमो लेके भागना है औरंगाबाद, हर स्टेशन पे रुकते रुकते। भाई सब सूखा ही नहीं है तो अभी, और जाना तो बहुत ज़रूरी है ना, तो इसको ट्रेस करके सुखाएंगे अभी। तो अब टाइम आ गया है नॉर्मल इंसान से यूनिफॉर्म पहन के, समझ जाओ क्या बनने का। तो ठीक है यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। तो हेलो हेलो, यूनिफॉर्म पहन के रेडी। और यार जैसे कोई सुपर हीरो विदाउट यूनिफॉर्म का नॉर्मल इंसान, और अपने सुपर हीरो सूट में सुपर हीरो लगता है, वैसे ही मुझे भी फील आता है इस वाले ड्रेस में। तो देखो यार, एक कमेंट पढ़ रहा था मैं अभी शांति से बैठ के, तो एक भाई ने कमेंट किया था कि अभी आप ट्रिक वगैरह नहीं बता रहे हो, हाँ
हाँ तो पिछले 2-3 वीडियो से ट्रिक वगैरह छूट जा रहा था क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो रहा था, लेकिन ठीक है यार, ट्रिक के लिए 2 मिनट लंबा वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ट्रिक, पहली बात मैथ का बता रहा हूँ, और मैथ एक गेम है। मैथ को जितना ही खेलोगे ना उतना ही इसमें, जैसे पबजी खेलते हो ना, पबजी जितना खेलोगे प्रैक्टिस करोगे उतना उसमें किल वगैरह ज़्यादा मिलता है, तो वैसे ही मैथ एक गेम है। और इसमें सबसे मज़ेदार गेम है जो परसेंटेज का है। तो सीक्वेंस वाइज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैथ का, बाद में कौन सा पढ़ना है। तो एप्टीट्यूड साइड में देखो SICI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल एंट्रेंस, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और वाटर ये वर्क एंड टाइम हो गया, स्पीड एंड मतलब चाल एंड दूरी, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। ये सब पढ़ने से पहले तुम परसेंटेज पढ़ो, क्योंकि सबके बीच में ये परसेंटेज काम आता है, सारे 5 चैप्टर के बीच में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्टार्ट परसेंटेज से करो, और परसेंटेज सबसे मज़ेदार गेम है मैथ का। जैसे कि पबजी में TDM होता है ना, तो वैसे ही परसेंटेज है मैथ का, मज़ेदार गेम। तो इसको मैथ को खेलो, और मैथ में भी सबसे अच्छा खेलो परसेंटेज से, क्योंकि हर जगह घुसा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज, और इसका एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे परसेंटेज को अगर कॉपी पेन पे ज़्यादा करने का ट्राई करोगे तो टाइम लेता है, और सिंपली और ये बताता हूँ मैं कि एक बियर बॉटल होता है जिसमें 700 ml बियर होता है और 7% अल्कोहल होता है। तो अगर 7% अल्कोहल निकालना है कि कितना ml होता है, तो इसको करने का 10 सेकंड में करना है। कैसे करोगे? तो सीधा 700 का 1% निकालो 7, और 7 से गुना कर दो, आ जाएगा 49%, क्योंकि 1% था इसका 7, और 7 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा इसका 49। ठीक है, 10 सेकंड में ये निकलता है। ये सिंपल सिंपल चीज़ है, चलो 5 सेकंड 4 सेकंड में निकल गया, थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा। ऐसे माइंड से करोगे, जितना जल्दी करोगे तो एग्जाम में टाइम बचता है। तो ये था ट्रिक। और मैं फिर से जा रहा हूँ औरंगाबाद। तो पिछली बार मैं पहुँचा था औरंगाबाद, तो वहाँ पे जो स्टाफ होता है अच्छा है, भरत नाम का, उसने बोला फिर आ गए। तो ऐसे ही बोला फिर आ गए, सुबह तो गए थे। तो इस बार जाता हूँ तो देखता हूँ क्या बोलता है। अभी डेमो लेके जा रहे हैं और अब सीधा मिलेंगे। आज मेरा PR तोड़ के लगाया गया, PR में था, कोई दूसरा अवेलेबल नहीं था, इसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो खाना वाना खा लिया है, रेडी हो गया है, बस एक काम बाकी रह गया है, परफ्यूम लगाना और वॉच पहनना, और उसके बाद शूज पहन के बस भागेंगे यहाँ से। डेमो को उठाना है औरंगाबाद में पटक देना है, और हर स्टेशन पर रुकते रुकते जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं औरंगाबाद में। और हाँ, एक स्पेशल चीज़ है कि वो ज्वाइन बटन होता है कुछ यूट्यूब पे और सुपर थैंक्स का, तो वो मेरे चैनल पे आ गया। सुपर थैंक्स में पता नहीं पैसे वैसे दे के थैंक्स बोलते हैं, और ये ज्वाइन बटन में भी पैसे दे के ज्वाइन कराया जाता है। तो उसमें मुझे एक आइडिया है कि हाँ, लाइव आते हैं उसमें, लाइव आया जाता है। और मतलब एक होता है जो ऑनली मेंबर्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए लाइव आया जाता है, और एक होता है कि सबके लिए लाइव आया जाता है। तो मैं लाइव आने का सोच रहा हूँ, बस मैंने ये बताया, इसमें पैसे वैसे भेजने का ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे नहीं प्यार चाहिए। तो लाइव आने का स्टार्ट करूँगा मैं। लाइव देखना चाहते हो, लाइव बातें करना चाहते हो, तो स्टार्ट करेंगे। और कोई अच्छा टाइम सोच के, जो सब लोग आ सके साथ में, तो टाइम सोच के बताना कि कब लाइव आना है, और ये भी बताना आना है या नहीं आना है। तो यार, हर चीज़ करने से पहले मेरे लाइफ में एक पर्सन था जिसको हर चीज़ बताना पड़ता था, अब लगता है 2 है, एक अपना यूट्यूब फैमिली, और वो तो है ही। तो ठीक है, मिलते हैं औरंगाबाद पहुँच के तुम लोगों से। अभी तो बस गाड़ी लेना है, यहाँ से औरंगाबाद जाना है। सुन भी लिया कार, कहाँ से आ रहा है सर? स्पेशल गाड़ी लेके, गाड़ी नंबर नहीं बताने का सर। आ रहे हैं हमारे स्पेशल गाड़ी लेके, जो महीने में बस 3 बार चलता है, और स्पेशल लोगों को सिलेक्ट करके भेजा जाता है जो खास वर्किंग करते हैं। तो सर हमारे बैच के सबसे टैलेंटेड लड़के हैं, इसलिए इनको भेजा गया, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। तो भाई साहब, 2 बजे रात को औरंगाबाद पहुंचे हैं, और यार यूनिफॉर्म धोने के बाद PR कैंसिल करके ड्यूटी लगा मेरा। कैसे प्रेस कर करके यूनिफॉर्म सुखाया हूँ, फिर उसके बाद आए हैं।
प्लेटफॉर्म में बाथरूम और इसके अलावा उधर उधर नहीं, इधर इधर बगल बगल नहीं, इधर उधर ताज है वहाँ पे। हाँ भैया, इधर तो उस साइड आगे। अभी 2 बजे रात को इनको बाथरूम चाहिए तो वो भी प्लेटफॉर्म पे नहीं चाहिए, साइड में चाहिए। होते हैं कुछ लोग तो, बस अब जाके सो जाना है। और 5वीं बार से औरंगाबाद आ रहा हूँ मैं, 3-4 बार तो हो ही गया। औरंगाबाद के अलावा कहीं लग नहीं रहा है आजकल, औरंगाबाद के असिस्टेंट लोगों का कमी हो गया है। तो मिलते हैं सुबह में अगले ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो थोड़ा सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।